नमस्ते, आरोग्य भाई प्रीति में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 5 ऐसे आसन जिससे अपने पोस्चर को आप करेक्ट कर सकते हैं। आज बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है पोस्चर की, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम बैठे बैठे फोन देख रहे हैं, लैपटॉप में या ऑफिस वर्क है, तो हमारे शोल्डर धीरे धीरे झुकने लगते हैं, लूज हो जाते हैं और स्पाइन हमारी धीरे धीरे बेंड होने लगती है, और जिससे हम स्पाइन रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो मैं 5 ऐसे सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल आसन बताऊंगी जो आप डेली आप करेंगे तो आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, आपका पोस्चर बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इंटरलेस करेंगे और जो अपने आप को पंजों पे होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर। अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप नॉर्मल फ्लोर पे फीट रखते हुए सिर्फ हाथों को स्ट्रेच करेंगे। हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, हाथ पूरे आपके स्ट्रेच कान से सटे हुए होने चाहिए। गोमुखासन। गोमुखासन में आपको इस तरीके से लेग क्रॉस करना है। इस आसन पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसमें देखिएगा कि कैसे बिगनर्स इस आसन को कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि गोमुख आसन क्या है। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से जाएगा, और इस तरीके से इसमें गर्दन आपको तिरछा नहीं करना है। अगर मैं गोमुखासन के बारे में ज्यादा बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप प्लीज उस वीडियो को मेरे देखिएगा जरूर, तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें आपका पोस्चर बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर साइड चेंज करेंगे, जो पैर नीचे था वो ऊपर आएगा और जो ऊपर था वो नीचे जाएगा। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, है पिजन पोज। इसमें आपको इस तरीके से बैठना है। अगर आपको बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप कुशन का सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकते हैं इस तरीके से, और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ये बहुत ही अच्छा आसन है, धीरे धीरे अपने पैरों को भी दूर करके हो जाए तो कुशन हटा करके फिर अपने आप को इस पोजीशन में। भुजंगासन का वेरिएशन है, आप उसको देखिए। पेट के बल लेटेंगे, हाथों को पीछे इंटरलेस करेंगे और इनहेल करते हुए अप। इस पोस्चर को आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं या बैठ के भी आप कर सकते हैं। हाथों को पीछे आपने इस तरीके से इंटरलेस किया, चेस्ट बाहर की तरफ निकाला और ऐसे। तो चाहे आप खड़े हो, बैठे हो, पेट के बल लेटे हो, आप इस पोस्चर को जब भी आपको लगे कि स्टिफ हो रही है नेक, तो आप इस तरह से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। फिफ्थ आसन है नौकासन, जो बहुत ही अच्छा आसन कहलाता है पोस्चर ठीक करने के लिए। पहले देख ले कैसे करना है, फिर बिगनर्स के लिए मैं बताऊंगी कि कैसे वो इस आसन को कर सकते हैं। हाथों को पूरा ऐसे स्ट्रेच करना है, पैर को ऐसे एक्सेल करते हुए अपनी अपर बॉडी उठेगी और पैर उठेगा इस तरीके से, और आंखें आपकी टो पर हो इस तरह से होल्ड करके रहें, अपने बैक को पूरा उठा के रिलैक्स। अब जो बिगनर्स हैं, जिनसे बिल्कुल भी नहीं होता, वो आराम से अपने एल्बो प्लेस करें इस तरीके से, अपने लेग लिफ्ट करें और होल्ड करके रखें। बस ध्यान दें
देना है। गर्दन वो तो मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, इसलिए मैं नेक का मूवमेंट कर रही हूँ, लेकिन जब आप कोई भी पोस्चर कोई भी आसन करें तो नेक मूवमेंट जहाँ नहीं है वहां नहीं करना चाहिए, डाउन। तो ये 5 सिंपल आसन थे जो आपके बैक पोस्चर को सही कर सकते हैं। तो प्लीज इनको जरूर फॉलो करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और मेरा चैनल आरोग्य बाई प्रीति को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कीप मोटिवेटिंग मी।